गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस अलाइड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 93 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 555 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर मुंबई ITIT ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर ये डिसाइड किया गया कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसी सेक्शन 148 के अंदर असेसी को नोटिस इशू किया जाता है, तो जो एक सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग केस है JKN ड्राइवशॉट इंडिया लिमिटेड, उस केस के अंदर पूरी एक सेक्शन 148 को केस को हैंडल करने के लिए पूरी मर्यादा दी हुई है। ये हम सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले एक नोटिस आता है सेक्शन 148 का, फिर असेसी जो है वो उसके रीजंस मांगता है और फिर उस रीजंस के बाद असेसिंग ऑफिसर को उन रीजंस को एक स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा डिस्पोज ऑफ करना होता है। हम ये देखते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्शन हम रेज करते हैं वो उनका 2 या 3 पेज का एक ऑर्डर बना करके उसको जनरली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। प्रैक्टिकली वो जो ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं वो भी कोई ऑब्जेक्शन का प्रैक्टिकली डिस्पोजल नहीं होता, बट लेकिन अब रिसेंट केसेस के अंदर जो हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं एटलीस्ट डिपार्टमेंट उनका डिस्पोजल करता है, लेकिन वो इट इज ओनली फॉर द नेम सेक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली कि द असेसिस ऑब्जेक्शन हैज नॉट बीन डिस्पोज्ड ऑफ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे असेसी ने रीजंस मांगने के बाद उनको ऑब्जेक्ट किया तो असेसिंग ऑफिसर ने उनके ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ भी नहीं किया और अपने असेसमेंट को जारी रखा। तो ये केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ, असेसी ने रीजंस मांगे, उसको रीजंस प्रोवाइड किए गए, असेसी ने उनके डिटेल ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रेज किए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब ने उन ऑब्जेक्शंस को देखा ही नहीं, अपनी असेसमेंट करने में लगे रहे। असेसी का ये कहना था, जो असेसी अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील लड़ रहा था उनका एक टेक्निकल ग्राउंड ये था कि साहब JKN ड्राइवशॉट इंडिया लिमिटेड के अंदर पूरी मर्यादा दी हुई है, आपने उसका पालन नहीं किया, और क्योंकि ये बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे ITIT का डिसीजन था तो इसमें एसएससी ने एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट थी उसका भी एक केस का हवाला दिया। केस का नाम है KSS पैट्रन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट CIT। इस केस के अंदर भी ये कहा गया है कि यदि एसएससी के ऑब्जेक्शंस का डिस्पोजल नहीं किया गया तो दैट असेसमेंट इज बैड इन लॉ। तो इस केस में भी बॉम्बे ITIT ने यह डिसाइड किया कि क्योंकि आपने एसएससी के ऑब्जेक्शंस का सेपरेट ऑर्डर करके डिस्पोजल नहीं किया है, इसलिए आपने जो भी असेसमेंट किया वो इनवैलिड है, और इस असेसमेंट इस ऑर्डर के अंदर ITIT ने यह भी लिखा कि सिंस द इशू ऑन टेक्निकल मैटर्स वर डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द एसएससी, द अदर ग्राउंड्स रेज्ड बाय द एसएससी ऑन द मेरिट्स नीड नॉट बीन एडजुडिकेटेड। कहने का तात्पर्य यह है कि एसएससी मेरिट टेक्निकल ग्राउंड पर यह केस जीतता है तो बाकी जो भी उसकी असेसमेंट की गई है, चाहे वो असेसमेंट गलत की गई है, ठीक की गई है, एसएससी ने टैक्स की चोरी की थी या नहीं की थी, उस इंटीग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है। वंस यू हैव नॉट फॉलोड द प्रोसीजर ऑफ द लॉ देन यू लॉस द केस। तो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जहां पे भी आपके 148 के मैटर्स चल रहे हैं आप वहां पे एक बार पूरी हरायकी देख लीजिए कि आपके जो आपने रीजंस दिए क्या उनको उन्होंने सेपरेट ऑर्डर के द्वारा डिस्पोज ऑफ किया। यदि उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया है तो वो पूरी असेसमेंट बैड इन लॉ हो जाती है। उसके ऊपर ये भी नहीं है कि उसको रिमांड बैक कर दिया कि अब आप इसके ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ करो, क्योंकि ये भी डिसाइडेड लॉ है कि रिमांड जो है वो खाली एक्सेप्शनल केसेस में किया जाना चाहिए। हर केसेस के अंदर रिमांड करने से एक लिटिगेशन प्रोलॉन्ग होती है। इस रिस्पेक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस है कि इन रिमांडिंग द केसेस द ITIT एंड द हाई कोर्ट शुड बी वेरी स्लो, ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस द रिमांड शुड बी देयर। सो दीज केसेस दीज टाइप ऑफ डिसीजंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर द एसएससी वेयर द मैटर इज नॉट रिमांडेड बैक टू द असेसिंग ऑफिसर बट द असेसमेंट इज क्वेश्चन्ड ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स दैट यू हैव नॉट डिस्पोज्ड ऑफ द ऑब्जेक्शंस ऑफ द एसएससी, सो यू डू नॉट गेट द केस एंड योर असेसमेंट इज इनवैलिड। सो दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जहां पे भी आप लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं वहां पे आप ये जरूर देख लें कि असेसिंग ऑफिसर ने आपके ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ किया है या नहीं किया। यदि उसने ऑब्जेक्शन के आपको डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो आप इसको अपना एक वैलिड ग्राउंड बनाएं
ताकि और पहला ग्राउंड बनाए ताकि उसको मेरिट पे जाने की जरूरत ही ना पड़े और आपका यहीं पे केस जो है वो वैनिश हो पाए आपके फेवर के अंदर। फ्रेंड्स एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस एलाइड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 93 आईटीआर पेज नंबर 555 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर मुंबई आईटीएटी ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।